नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिजनौर जिले में आज भाजपा की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के जरिए नेताओं को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने के लिए एकजुटता से काम करने के लिए कहा गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल इस बैठक में मौजूद रहे और 4 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। यूपी में भले ही अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की घोषणा भले ही न हुई हो, मगर बिजनौर जिले में बीजेपी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार सत्येंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए जरूर कमर कस ली है। आज पश्चिम यूपी के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल बिजनौर पार्टी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और विधायकों की मीटिंग ली। इस मीटिंग के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लिया है। जिले के सभी पदाधिकारी और सभी 5 विधायक भी मौजूद रहे। जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने बताया कि बीजेपी ने पश्चिम यूपी में हमने बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि बिजनौर जिले में ही बीजेपी की बड़ी करारी हार हुई है। 56 में से 8 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी जिता पाई है। उसके बाद भी क्षेत्रीय अध्यक्ष अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा गए हैं। पता नहीं जिले में जादुई आंकड़े को कैसे पर करेगी बीजेपी, बहुत बड़ा सवाल है। बिजनौर जिले में बीजेपी नेताओं की गुटबाजी की वजह से बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र प्रताप की हार हो सकती है। बिजनौर में सपा रालोद गठबंधन 24 सीट जीता है। आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, इस कोविड महामारी के बीच में निरंतर भारतीय जनता पार्टी संगठन नीचे काम कर रहा है और किस प्रकार से एक बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, नगरीय क्षेत्रों में जाकर के कार्यकर्ताओं ने दवाओं के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश किस प्रकार से पिछले 2 सप्ताह के अंदर इस महामारी से लड़ करके उभरने में कामयाब हुआ है, उसी चरण में आज यहाँ बैठक अपने नए सभी नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्य, अपने सभी समन्वय समिति के लोग, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, सब लोग आए हैं और इन विषयों को नीचे किस प्रकार से उतारना है ताकि कोविड वैक्सीनेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 45 लाख के बढ़कर के करोड़ की संख्या में जल्द पहुंचे, लोग सुरक्षित हों, सुरक्षा कवच उनका तैयार हो और चुनाव की दृष्टि में भी जिला पंचायत में जुड़ने के लिए, हमारे विचार से जुड़ने के लिए, हमारे विचार के लोग एक बड़ी संख्या में आकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, वो जुड़ करके यह विजय रथ प्रारंभ होगा और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड अध्यक्ष भी। बिजनौर में 56 सीटें हैं, 7-8 सीट बीजेपी की आई हैं, भारी हार हुई है बीजेपी की, इसमें क्या कहना है, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, इस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 जनपदों में 100 से ज़्यादा सीटें जीत करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उतर करके गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाया है। लगभग इतनी ही सीटों पर हम लोग द्वितीय स्थान पर रहे हैं। 50% सीटों पर या तो हमारा कैंडिडेट जीता है या वो द्वितीय स्थान पर रहा है। वोट प्रतिशत के नाते भी एक बड़ी संख्या में वो हमें लोगों का समर्थन मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पहुँची है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आसपास के कई जिलों में आप बड़े बड़े दलों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता ने हराने का काम किया है। तो जिस प्रकार से हमारी जमीन नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत हुई है और यह इस बात का प्रतीक भी है कि जिस प्रकार से बाकी बहुत जिलों में अगर आप आकलन करके देखें तो आपको यह ध्यान में आ जाएगा कि विपक्ष के पास कैंडिडेट ही नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 दल लोग मिल करके कैंडिडेट ढूंढ करके कैंडिडेट खड़े करने का काम कर रहे हैं। आज जो वातावरण वर्तमान का वातावरण है, आज की बैठक के बाद ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं और निरंतर आगे जुड़ते रहेंगे। एक बड़ी संख्या में हम लोग जीत करके एक बड़े मार्जिन से यहाँ जीतने वाले हैं। अध्यक्ष जी, आप पश्चिम से हैं, पश्चिम के कई जिलों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, विधानसभा चुनाव शुरू ही हो गया है लगभग, बीजेपी में नाराजगी है, अंदर खान ने भी आपकी पार्टी के ही लोग दो तीन गुट बनाए हुए हैं जिलों में और रही जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहा है अध्यक्ष में, इसमें भी आपकी पार्टी के कैंडिडेट के साथ भीतरघात होने की पूरी संभावना है, आप इसे कैसे करेंगे कंट्रोल? ऐसा है, ये सब आकलन होते हैं, बाहर से कई बार लगता होगा देखने में ऐसा कुछ। पार्टी के सारे लोग एक मत से एक साथ खड़े हैं और आज समन्वय समिति की बैठक भी है, सब लोग एक साथ मिलजुल करके आगे की योजना तय करके एक साथ बड़े ताकत के साथ, मैं अभी उदाहरण भी देना चाहता हूँ, अगल बगल में कई जिलों में बैठक हुई, हम लोग जहाँ पर 10-12 सीटों से प्रारंभ हुए वहाँ विचार के लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत जगह तो 5